नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल Bound to Education में। मैं बिरबल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज का ये नया वीडियो आपके आने वाले परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत अधिक महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड MCQ के प्रश्नों को देखेंगे। आज का ये वीडियो एक प्रकार से आपके लिए मॉक टेस्ट होगा, जिसमें मैं आपको 5 सेकेंड का वक्त दूंगा। उसी वक्त के अंदर आपको प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करना होगा। इससे आपको एक प्रकार से आइडिया हो जाएगा कि आप जो परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो JSSC CGL हो, JTET हो या फिर एक्सिस कॉन्स्टेबल, इन तीनों ही परीक्षाओं को जो आप तैयारी कर रहे हैं, वो तैयारी आपका कितना अधिक है और आपको कितना अधिक और तैयारी करने की आवश्यकता है। मैं इस वीडियो में 30 प्रश्न आपसे पूछूंगा। 30 प्रश्नों में अगर आप 20 से अधिक प्रश्नों का उत्तर दे पाते हैं तो आप समझ जाएंगे कि आपका तैयारी लगभग ठीक ठाक है। अगर आप 20 प्रश्नों से भी कम प्रश्न का उत्तर दे पाते हैं तो ऐसा समझ के चलिए कि आपका तैयारी चिंताजनक है और आपको इस दिशा में और अधिक तैयारी करने की आवश्यकता है। हम लोग उन्हीं प्रश्नों को देखेंगे जो कि झारखंड के विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि कोई भी प्रश्न आपका परीक्षा के दृष्टिकोण से छूट ना पाए, ठीक है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होने वाला है। और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस वीडियो से 2 या 3 प्रश्न आपके परीक्षा में जरूर ही बनेंगे, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर से बहुत अधिक प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। शशांककालीन वेणुसागर मंदिर किस देवता से संबंधित है? आपके जो ऑप्शन है उनको देख लेते हैं, देवी, कृष्ण, राम या फिर ऑप्शन डी है शिव। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर क्या होगा। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर मैं बता देता हूँ, शशांककालीन वेणुसागर मंदिर शिव देवता से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, शिव, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। छोटा नागपुर पर शासन करने वाले नागवंशी शासकों में निम्न में से कौन शामिल नहीं था? आपको बताना है जो भी ऑप्शन दिया गया है उसमें से कौन सा शासक छोटा नागपुर पर शासन करने वाले नागवंशी शासकों में शामिल नहीं था, ठीक है। प्रतापकर्ण, विराटकर्ण, छत्रकर्ण या फिर विक्रमकर्ण, बताइए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा। विक्रमकर्ण जो थे ये नागवंशी शासकों में शामिल नहीं थे जो छोटा नागपुर पे शासन किया था। प्रतापकर्ण ने भी छोटा नागपुर पर शासन किया था, विराटकर्ण और छत्रकर्ण ने भी छोटा नागपुर पर शासन किया था। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विक्रमकर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से किस झारखंडी सुल्तान के नाम से जाना जाता है? किसे झारखंडी सुल्तान के नाम से जाना जाता है? फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, आदिल शाह द्वितीय या फिर शेरशाह सूरी। आपका समय शुरू होता है अब। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर याद रखेंगे, झारखंडी सुल्तान के नाम से किन्हें ज्यादा जाना जाता है? आदिल शाह द्वितीय को झारखंडी सुल्तान के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिक करके रखिए। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, झारखंड राज्य का कौन सा क्षेत्र मुस्लिम आक्रमण से लगभग अप्रभावित रहा? बोकारो, धनबाद, साहिबगंज या फिर हजारीबाग, बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा। आपका समय शुरू होता है अब। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा, धनबाद जो जिला था ये मुस्लिम आक्रमण से अछूता था, ये अप्रभावित था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। नागवंशी राज्य की स्थापना किसने की थी? आपका ऑप्शन देख लेते हैं, भवराय, मदन राय, फणी मुकुट राय या फिर प्रताप राय। आपका समय शुरू होता है अब, बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर याद रखेंगे, नागवंशी राज्य का स्थापना किया गया था फणी मुकुट राय। इससे बहुत अधिक प्रश्न बनता है और हर एक पेपर में मुझे लगता है ये क्वेश्चन जरूर ही पूछा जाता है। तो इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिक करके रखिए कि नागवंशी राज्य का स्थापना फणी मुकुट राय के द्वारा किया गया था, इसे आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6।
बरवा की लड़ाई में सरगुजा के रक्षेल राजा को किसने पराजित किया था, भीमकर्ण, शिवदासकर्ण, विराटकर्ण या फिर छत्रकर्ण? बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो याद रखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भीमकर्ण। बरवा की लड़ाई में सरगुजा के रक्षेल राजा को किसके द्वारा पराजित किया गया था? भीमकर्ण ने सरगुजा को पराजित किया था बरवा की लड़ाई में, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। राजा मानसिंह के उड़ीसा अभियान 1592 ईस्वी में के क्रम में सिंहभूम से गुजरने पर मुगलों की अधीनता स्वीकार और राजा मानसिंह के अंगरक्षक दल में शामिल होने वाले पुरहाट के सिंह वंशी राजा का नाम क्या था? आपके जो ऑप्शन हैं उनको देख लेते हैं, रंजीत सिंह, मधुकरण शाह, भागपत राय या फिर इनमें से कोई नहीं। मैं इसे छोटा कर देता हूँ। क्वेश्चन एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूँ कि राजा मानसिंह के उड़ीसा अभियान के क्रम में सिंहभूम से गुजरने पर मुगलों की अधीनता स्वीकार और राजा मानसिंह के अंगरक्षक दल में शामिल होने वाले पुरहाट के सिंहवंशी राजा का क्या नाम था? आपका समय शुरू होता है अब। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन ए हो जाएगा, रंजीत सिंह। रंजीत सिंह वो सिंहवंशी राजा थे जो कि उड़ीसा अभियान में शामिल थे और इसमें सिंहभूम से गुजरने वाले मुगलों की अधीनता स्वीकार करने और राजा मानसिंह के अंगरक्षक दल में शामिल थे। राजा सिंह का रंजीत सिंह का नाम आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रंजीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, 1592 में राजा मानसिंह ने राजमहल जो कि साहिबगंज जिला और संताल परगना को मिलाकर राजमहल कहा जाता था को बंगाल की राजधानी बनाया। राजा मानसिंह ने परकोटा और महल वाले नगर का नाम रखा था, अकबर नगर, मान नगर, जगत नगर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा। आपका समय शुरू होता है अब। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर याद रखेंगे, अकबर नगर का नाम रखा गया था। ठीक है, 1952 में राजा मानसिंह ने राजमहल को बंगाल की खाड़ी का बंगाल का राजधानी बनाया था, उसे अकबर नगर के नाम से रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। झारखंड के किस क्षेत्रीय राज्य के राजा को मुगल इतिहास ग्रंथों में जमींदार ए खान अलामास अर्थात हीरा खान का मालिक कहा गया है? आपके जो ऑप्शन है उसको देख लेते हैं, छोटा नागपुर खास के नागवंशी राजा को, पलामू के चेरोवंशी राजा को या फिर ऑप्शन सी है पुरहाट के सिंहवंशी राजा को या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर याद रखेंगे, छोटा नागपुर खास के नागवंशी राजा को जमींदार ए खान अलामास कहा जाता है, अर्थात कि हीरे खान का मालिक कहा जाता है छोटा नागपुर खास के नागवंशी राजाओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। किस मुगल कालीन आत्मकथा में स्थानीय लोगों द्वारा संख नदी से हीरे प्राप्त करने के तरीके का विस्तृत वर्णन मिलता है? तुजू के बाबरी, बाबरनामा, तुजू के जहांगीरी या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो याद रखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा तुजुक ए जहांगीरी में हमें संख नदी से हीरे प्राप्त करने के बारे में विस्तृत जानकारी मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तुजुक ए जहांगीरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। किस मुगल सूबेदार के हाथों 1615 ईस्वी में छोटा नागपुर खास का नागवंशी शासक दुर्जन साल गिरफ्तार हुआ और राजधानी दिल्ली भेजा गया? इब्राहिम खां, जफर खां, मानसिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर याद रखेंगे, इब्राहिम का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इब्राहिम खां एक मुगल सूबेदार था जिसने दुर्जन साल को गिरफ्तार करके राजधानी दिल्ली भेज दिया था, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। मुगल शासक बादशाह जहांगीर ने छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक दुर्जन साल को कैदी बनाकर किस जेल में रखा
जहां वह 12 वर्षों तक कैद रहा। ग्वालियर किला, आगरा किला, दिल्ली का किला या फिर लाहौर किला, बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा। आपका समय शुरू होता है अब। तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर याद रखेंगे, मुगल बादशाह जहांगीर ने छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक दुर्जन साल को कैदी बना के रखा था, जिस जेल का नाम था ग्वालियर जेल में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ग्वालियर जेल में नागवंशी शासक दुर्जन साल को कैद करके रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस वर्ष छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक दुर्जन साल को बंदी जीवन से मुक्ति मिली, 1605 ईस्वी में, 1637 ईस्वी में, 1615 ईस्वी में या फिर 1627 ईस्वी में, बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा, ये ऑप्शन डी कर लीजिएगा। 1627 ईस्वी में छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक को, जो जिनका नाम था दुर्जन साल, इन्हें मुगल के जो चंगुल था, जिन्हें बंदी बनाया गया था, उनके बंदी से मुक्ति मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। मुगल बादशाह जहांगीर के कोकराह अभियान, जिसे छोटा नागपुर खास के नागवंशी राज से के विरुद्ध अभियान चलाया गया था, के नेता इब्राहिम खान को कौन सी उपाधि दी, फात जंग, सलावत जंग, फतेह बहादुर या फिर इनमें से कोई नहीं, बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर याद रखेंगे, फात जंग की उपाधि दी गई थी। किस लिए दी गई थी, ये छोटा नागपुर खास के नागवंशी राज्यों के विरुद्ध ये जंग अभियान चलाए थे, जिसके कारण इसे फात जंग की जो उपाधि है वो दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। राजधानी दिल्ली में मुगल शासक जहांगीर के मनोरंजनार्थ एक बाघ से निहत्था लड़ता हुआ पलामू का कौन सा चेरोवंशी राजा मारा गया था, भागवत राय, अनंत राय, सहबल राय या फिर इनमें से कोई नहीं, बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा, सहबल राय। सहबल राय ऐसे चेरोवंशी राजा थे जो कि राजधानी दिल्ली के मुगल बादशाह जहांगीर के मनोरंजन हेतु बाघ से निहत्था लड़ते हुए मर गया था। तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन सी, सहबल राय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। बिहार के मुगल सूबेदार शाइस्ता खान ने पलामू के चेरोवंशी शासक प्रताप राय के विरुद्ध पलामू किला पर आक्रमण और संधि कब की, 1641-42 में, 1643-44 में, 1645-46 में या फिर 1647-48 में, बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर याद रखेंगे, 1641-42 में शाइस्ता खान ने प्रताप राय के विरुद्ध पलामू में आक्रमण किया, और 1641 में आक्रमण और 1642 में संधि किया था। तो इस डेट को याद रखेंगे, 1641-42, क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 है, बिहार के मुगल सूबेदार इतिकाद खां के आदेश पर जबरदस्त खां ने पलामू के चेरवंशी शासक प्रताप राय के विरुद्ध आक्रमण और संधि कब की थी। आपके जो ऑप्शन है उनको देख लेते हैं, 1643-44 में, 1645-46 में, 1647-48 में या फिर 1649-50 में, तो बताइए मुगल सूबेदार इतिकाद खां के आदेश पर जबरदस्त खां ने पलामू के चेरोवंशी शासक के साथ कब आक्रमण किया था और उसके साथ कब संधि किया था। आपका समय शुरू होता है अब। तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा, 1643-44 में ये आक्रमण और संधि की गई थी जबरदस्त खान ने पलामू के चेरोवंशी शासक प्रताप राय के विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 है कि पलामू के चेरोवंशी शासक मेदिनी राय ने किसके समय में छोटा नागपुर खास के नागवंशी राज की राजधानी दोईसा को लूटा, लूट के समान में
लूट के सामान में पत्थर का एक विशाल फाटक जो कि नागपुर दरवाजा भी शामिल था, जिसे मेदिनी राय ने पलामू के नए किले में लगवाया। तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए। आपका ऑप्शन है रघुनाथ शाह, राम शाह या फिर दुर्जन साल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रघुनाथ शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। नागवंशी राज्य की प्रथम राजधानी कहाँ थी, रातुगढ़, पालकोट, चुटिया या फिर सुतियांबे। बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो याद रखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सुतियांबे, नागवंशी राज्य की प्रथम राजधानी थी। तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन डी हो जाएगा सुतियांबे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। झारखंड राज्य का प्रसिद्ध भूमिज स्वराज आंदोलन किस वंश के शासनकाल में हुआ, मानभूम के मानवंश, सिंहभूम के सिंहवंश, पलामू के रक्सेलवंश या फिर ऑप्शन डी है पलामू के चेरोवंश। बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो याद रखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मानभून के मानवंश के समय स्वराज भूमि स्वराज आंदोलन हुआ था, इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। पलामू के चेरोवंश की स्थापना किसने की, भगवत राय, बागदेव सिंह, प्रताप धवल या फिर दर्प नारायण सिंह। बताइए क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो याद रखेंगे पलामू के चेरोवंश के संस्थापक का नाम भगवत राय के नाम से जाना जाता है इनको, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पलामू के चेरोवंश की स्थापना भगवत राय के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। झारखंड राज्य में 1857 ईस्वी का विद्रोह किस स्थान से प्रारंभ हुआ, रोहनी गाँव, मेदिनी नगर, झुमरी तिलैया या फिर रांची। बहुत अधिक बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए। तो याद रखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा रोहिणी गांव से झारखंड राज्य में 1857 ईस्वी का विद्रोह शुरू हुआ था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रोहिणी गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ था, रांची, चतरा, दुमका या फिर हजारीबाग। तो 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय याद रखेंगे ऑप्शन ए रांची में था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। 1857 के विद्रोह के दौरान झारखंड में मुक्ति वाहिनी सेना की स्थापना किसने की थी, गणपत राय, शेख भिखारी, जय मंगल पांडे या फिर विश्वनाथ सहदेव। बताइए क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्वनाथ सहदेव, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है तो इसे याद रखेंगे ऑप्शन डी। 1857 के विद्रोह के दौरान झारखंड में मुक्ति वाहिनी सेना की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, विश्वनाथ सहदेव के द्वारा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। असहयोग आंदोलन के द्वारा महात्मा गांधी के नेतृत्व में झारखंड में विदेशी कपड़ों की होली कहाँ जलाई गई थी, रामगढ़ में, पलामू में, देवघर में या फिर रांची में। तो याद रखेंगे रांची में असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के नेतृत्व में झारखंड में विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई थी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 26। सन 1929 में किसकी अध्यक्षता में झारिया में भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया था, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू या फिर ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस। तो याद रखेंगे 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में झरिया में भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया था, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। रांची में अंजुमन इस्लामिया की स्थापना किसने की थी, सैयद अहमद खां, मोहम्मद अली जिन्ना, अबुल कलाम आज़ाद या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो याद रखेंगे अबुल कलाम आजाद के द्वारा रांची में अंजुमन इस्लामिया की स्थापना की गई थी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन झारखंड के किस स्थान पर आयोजित हुआ था। ठीक है, तो ये बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, इसे भी VVI टिक करके रखिए, कहाँ पे कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था ये आपको बताना है, रांची, हजारीबाग, रामगढ़ या फिर देवघर, बताइए क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो याद रखेंगे क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा रामगढ़, रामगढ़ में कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्वेश्चन नंबर 29, झारखंड में 1940 में आयोजित कांग्रेस के 53वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, ये भी बहुत अधिक पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन देख लेते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, अनुग्रह नारायण या फिर अबुल कलाम आज़ाद, बताइए क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो 29 का करेक्ट आंसर याद रखेंगे अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा 1940 में आयोजित कांग्रेस के 53वें अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, बहुत अधिक पूछा जाता है अबुल कलाम आज़ाद, इसका याद रखेंगे नाम ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, झारखंड राज्य में अंग्रेजों के विरुद्ध किया गया प्रथम विद्रोह था, मुंडा विद्रोह, ढाल विद्रोह, चुआर विद्रोह या फिर चेरो विद्रोह, बहुत अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी वेरी इंपॉर्टेंट टिक करके रखिए। तो क्वेश्चन नंबर 30 का क्या आंसर होगा बताइए। याद रखेंगे क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ढाल विद्रोह, झारखंड राज्य में अंग्रेजों के विरुद्ध किया गया सबसे प्रथम विद्रोह था। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, अगर आप इस तरह के महत्वपूर्ण वीडियोस चाहते हैं जो कि झारखंड के विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन होता है तो आप हमें कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। जाने से पहले वीडियो को ज़रूर लाइक कर दे जिससे मुझे पता चले कि आपको इस तरह का वीडियोज़ और चाहिए या फिर नहीं। धन्यवाद, अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं।